ओम शांति आज 19 नवंबर 2023 है और आज के अव्यक्त इशारों से हम स्वयं के लिए ये स्वमान ले कि मैं स्वपरिवर्तक सो विश्व परिवर्तक आत्मा हूँ। परिवर्तन योगी आत्माएं ही कर सकती हैं, क्योंकि योग ही परिवर्तन की विधि है आइए जानते हैं इस योग से कैसे हम परिवर्तन करें आज के बाबा के अव्यक्त इशारों से कोई कैसा भी हो ग्लानी करने वाला भी हो तो भी आपके दिल से उस आत्मा के प्रति हर समय दुआएं निकलती रहे इसका भी कल्याण हो इसकी भी बुद्धि शांत हो आपके शुभ भावना वाले श्रेष्ठ संकल्प उसे परिवर्तन कर देंगे शास्त्रों में गीता में और सभी तरफ योगियों की जो महिमा की गई है भले ही योग क्या है वो किसी को क्लियर नहीं हुआ लेकिन योग की रिजल्ट और योगियों की निशानी ये पहले से ही सबको क्लियर है योगी अर्थात जो स्थित प्रज्ञ है जो निंदा स्तुति मान अपमान में एक समान है जिसे ना किसी से कुछ चाहिए और ना ही किसी से कोई उसको गिला या शिकवा है और हम बच्चों को बाबा ने योग का सही अर्थ बताकर ऐसा सच्चा योगी बनाया है तो हमारे अंदर से क्या झलकना चाहिए कि जो सहयोग नहीं दे रहा जो ग्लानी कर रहा है जो अपमान कर रहा है उसका भी हम कल्याण करें यही आज बाबा अव्यक्त रूप से हमें इशारे भी दे रहे हैं कल भी बाबा ने कुछ ऐसा ही कहा था कि हमें दिल शिकस्त वशीभूत आत्माओं को कमज़ोर आत्माओं को भी शक्ति और गुण देने हैं तो आज बाबा हम स्व परिवर्तक स्व विश्व परिवर्तक आत्माओं को यही इशारा दे रहे हैं कि पहले अपनी भावनाओं को हम परिवर्तन करें हमारे अंदर किसी को भी देखकर उसके कर्म अनुसार जो भावना आती है वो भावना ना आए लेकिन मुझे उसको देख करके क्या कर्म करना है वो भावना जागृत हो जैसे दूसरा व्यक्ति ग्लानी कर रहा है तो उसको उसके कर्म को देख कर के ये ग्लानी करने वाली आत्मा है ये मेरे संकल्प ना चले लेकिन ये शुभ भावना की जरूरतमंद आत्मा है ये मेरा कर्तव्य शुभ भावना देना है वो भावना मेरे अंदर जागृत हो तो ये है स्वपरिवर्तन और इस परिवर्तन से ही हम धीरे धीरे उसकी भावना को भी परिवर्तक करके विश्व परिवर्तक बन सकते हैं स्कूल में भी जब बच्चा टेस्ट देता है उसके बाद ही उसकी क्लास परिवर्तन होती है तो हमारी भी क्लास अर्थात हमारी भी अवस्था हमारी भी स्टेज आगे तब बढ़ेगी परिवर्तन तब होगी जब हम इस टेस्ट में पास होंगे तो सच्चे योगी का ये टेस्ट हर रोज़ हमारे सामने आता है ताकि हम तीव्र गति से हर रोज़ अपने इस स्टेज को परिवर्तन करके आगे बढ़ते चले और स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तक बनते चले ओम शांति